सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें हम। टोंक के पचेवर थाना क्षेत्र के पारली गांव में रघुनाथ जी के मंदिर से चोरी हुई प्राचीन प्रतिमा को पुलिस ने 48 घंटों के दौरान बरामद करते हुए चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पुजारी से पहले 2 से 3 बार मिल चुके थे और पुजारी ने ग्रह दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना की बात करते हुए उन्हें ये जानकारी दी थी कि मंदिर में मौजूद जो प्रतिमा है वह नीलम की है। ऐसी सूरत में अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए इन दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी से पहले एक आरोपी ने पुजारी को उसके घर से उसके निजी स्कूल भेज छोड़ा और इसी दौरान दूसरे चोर ने इशारा पाकर मूर्ति चोरी की और उसको ले जाकर अपने खेत के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। टोंक पुलिस ने 48 घंटों के दौरान इस चोरी की वारदात को खोलने में सफलता हासिल की है। देखिए, एक घटना घटित हुई थी जहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर से पौराणिक महत्व की बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रतिमा थी वो चोरी हुई। धार्मिक भावना इससे काफ़ी जुड़ी हुई थी, लोग आक्रोशित थे। तुरंत डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई, डिप्टी एसपी मालपुरा, एसएचओ पचेवर और स्पेशल टीम इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। कुछ सूत्रों से भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंफॉर्मेशन मिली और उसको टोन डाउन करते हुए हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया था। ये लोग पूर्व में भी इस तरह की वारदातों में लिप्त रहे, ऐसी जानकारी लीक आई थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। दोनों को टाइमली राउंडअप किया और राउंडअप करने के बाद उनसे ये मूर्तियां बरामद हुई हैं। एक का नाम सूरजमल जांगिड़ है जो कि थाना फागी का रहने वाला है। दूसरे का नाम सत्यनारायण और शैतान है जो थाना निवाई सदर का रहने वाला है। और इनसे ये मूर्ति जिस हालत में ये गई थी उसी हालत में बरामद की गई। और लोगों में भी जो मैसेज पॉजिटिव गया और जो भावनाएँ जुड़ी हुई थी उनको भी हमने एक राहत पहुँचाने का काम किया। तो मैं आशा करता हूँ कि जो धार्मिक संस्थान इस तरीके के हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन में अपने को सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध करवाने चाहिए, तो मेरा अपील है कि सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंजाम इन जगहों पे होने चाहिए और हमारा जो सहयोग इसमें मिलना चाहिए वो बिल्कुल हम उनको ज़रूर दें। क्राइम ऑफ एंट्री जो है, किस तरह वारदात का तरीका होता है, वारदात अंजाम क्यों देते हैं? देखिए, इनका जो ये वाला इंसिडेंट था इसके अंदर इनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये इन्होंने पहले जाके उसकी रेकी करी है, पुजारी से बैठ के लंबी डिस्कशन करी है। इन्होंने जब देख लिया कि कुछ टाइम पीरियड है जिसके अंदर उस मंदिर में फाटक खुले रहते हैं और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहता, कोई आदमी वहाँ पर नहीं रहता है, तो वो टाइम पीरियड इनको लगा कि सबसे आसान है उस मूर्ति को ले जाने के लिए। तो उन्होंने पुजारी को, एक आदमी ने उसको बातों में लगा के और दूसरे आदमी ने पीछे से उसको ले जाना। मार्केट में देने के लिए प्राइम ऑफ एसी नेशनली किस हिसाब से इसका डिमांड ये से? देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से हमारे को सामने आया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का इनका कहीं ना कहीं मंशा थी, लेकिन वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम अभी इनका रिमांड लेंगे और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करेंगे। अभी हमने 2 लोगों को किया है अरेस्ट। बिल्कुल हमारी इन्वेस्टिगेशन ओपन माइंड से करेंगे, इनके अगर और साथी आएंगे तो उनको भी हम इसमें करेंगे। कोर्ट का मामला पेंडिंग चल रहा है। इससे पहले राजमहल और जैन मंदिर की मूर्ति चोरी हुई थी। ये जो गिरोह इसमें सक्रिय रहते हैं बड़े शातिर किस्म के होते हैं और ये देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ पर चूक है और वहाँ पर उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बाद में जब हमने इनको खोला तो हमसे यही चीज़ समझ में आएगी, हाँ अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो इनके जो मकसद में हम इनको फेल कर सकते हैं। तो नगर फोर्ट वाली प्रक्रिया में भी हमारे को कुछ इनपुट मिले हैं, जो वही वारदात हमारी जो है अभी इंटरेस्ट है इस मामले में, उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।